हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाले रॉ यानी कि 23 सितंबर 2019 को होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। पिछले हफ्ते स्ट्रोमन ने रॉ टैग टीम चैंपियन और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस पर अटैक कर दिया था और कल भी रॉ में उनके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे नहीं छोड़ेंगे। ब्रॉन स्ट्रोमन का हेल इन अ सेल में अभी तक कोई भी मैच फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन वो एक पार्टनर चुनकर डॉल्फ ज़िगलर और रॉबर्ट रूड को चैलेंज कर सकते हैं रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमन का पार्टनर कौन हो सकता है? जैसा आपको पता होगा कि साशा बैंक्स और बेकी लिंच का एक बार फिर से मैच हो रहा है हेल इन अ सेल पेपरव्यू में रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए, इसलिए कल रॉ में इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है और इसके बाद हमें इन दोनों का ब्रॉल भी देखने मिलेगा। दोस्तों, WWE ने रूसेफ को वापस बुला लिया है और मारिया केनेलिस ने ये रिवील कर दिया कि उनके बच्चे के फादर रूसेफ ही हैं और इसलिए रूसेफ ने अटैक कर दिया था मारिया के हस्बैंड माइक केनेलिस पर। और अब कल हमें पता चलेगा कि मारिया के बच्चे का असली फादर कौन है, रूसेफ या फिर माइक केनेलिस। AJ स्टाइल्स और सेड्रिक अलेक्जेंडर की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सेड्रिक अलेक्जेंडर को एक बार फिर से मौका मिल सकता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतने का हेल इन अ सेल पेपरव्यू में और कल के रॉ में यह मैच अनाउंस हो जाएगा। दोस्तों, दो दिन पहले गोल्डबर्ग को किसी होटल में डॉल्फ ज़िगलर से बहस करते हुए देखा गया और इसके बाद गोल्डबर्ग ने ये ट्वीट किया कि वो रिटर्न आकर डॉल्फ ज़िगलर को दोबारा फिर से हरा सकते हैं, इसलिए गोल्डबर्ग WWE में जल्दी फिर से रिटर्न आने वाले हैं, या तो 4 अक्टूबर को स्मैकडाउन लाइव में या फिर उसके बाद वाले पेपरव्यू में। वैसे क्या आप गोल्डबर्ग रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंग्स के बारे में। सेथ रॉलिंग्स हेल इन अ सेल पेपरव्यू में फेस करने जा रहे हैं द फिंड को यूनिवर्सल टाइटल के मैच में और ब्रे वाइट ने उन पर दो बार हमला भी किया था, लेकिन कल के रॉ में इस बार सेथ रॉलिंग्स अटैक कर सकते हैं फिंड पर। दोस्तों, इन दोनों का मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है और अब आप भी कमेंट से मुझे बताइए कि सेथ रॉलिंग्स और फिंड के मैच में कौन जीतेगा। ब्रॉक लेसनर फिर से रिटर्न आ चुके हैं और उन्होंने कोफी किंगस्टन को चैलेंज कर दिया है WWE चैंपियनशिप मैच के लिए। और जैसा मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि न्यूज ये सुनने में आ रही है कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर जीत कर न्यू WWE चैंपियन बन जाएंगे और ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन से पहले 30 सितंबर 2019 को होने वाले मंडे नाइट रॉ में भी आएंगे। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते शील्ड की क्विज वीडियो आ जाएगी, तो आप उसे भी याद से देख लीजिएगा। और मंडे नाइट रॉ कल सुबह 5:30 बजे से Sony 10/1 और Sony 10/3 पर देगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।